अपनी स्किन की हेल्थ को आप अच्छा रखें, उसको आप मॉइस्चराइज रखें हर वक्त। अगर आप भले आप थोड़े से शिमर पाउडर इस्तेमाल करें उसके ऊपर, ताकि ये कि आपका फेस ग्लो करे, एंड ऑफ कोर्स ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। तो उससे जो है वो, अगर आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी है तो आपका फेस का नेचुरल ग्लो जब आता है तो वो कोई भी रंग हो, भले डार्क हो या भले फेयर हो, आई थिंक दैट इट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस। योर स्किन शुड जस्ट लुक हेल्दी। बट इवन देन, अगर आप कुछ ट्राई करना चाहती हैं, आप आई वुड नॉट रियली सजेस्ट कि आप कॉन्स्टेंटली ब्लीच करें, लेकिन ये कि नेचुरल स्क्रब्स होते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। हेयर कलर डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर स्किन टोन। अगर आप फेयर हैं तो आपके ऊपर डार्कर कलर्स ज़्यादा सूट करें। अगर आपकी थोड़ी सी व्हीटिश टैन कम्प्लेक्शन है तो आपके ऊपर लाइटर कलर्स ज़्यादा सूट करेंगे। मल्टीविटामिन टैबलेट जो है वो आप कोई सी भी भले इस्तेमाल कर लें। अगर आप you know, थोड़ी सी नॉलेज रखती हैं अबाउट कि कौन सी जो है विटामिंस और मिनरल्स जो हैं वो उसमें, उसका अगर आप पीछे लेबल पढ़ें, कुछ जो दूसरे मिनरल्स होते हैं लाइक जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, कुछ जो ऐसी जो थोड़ी बहुत यू नो विटामिंस एंड मिनरल्स होते हैं, उनको जो है आप पढ़ें उनके बारे में कि उनकी कॉन्टेंट्स जो हैं वो कितनी होती हैं। ट्राई टू गेट अ मल्टीविटामिन टैबलेट जो थोड़ी सी मिकदार में जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो। स्ट्रेटनर के अलावा जो है वो कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, सलोन ट्रीटमेंट्स जो रिलैक्सर ट्रीटमेंट्स कहलाती हैं, वो प्रोडक्ट्स के साथ जो है उनके कर्ल्स को, बालों के कर्ल्स को जो है वो उनको रिलैक्स कर देते हैं। सो बाल जो है वो टू एन एक्सटेंट वो बहुत सीधे हो जाते हैं, उनकी फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी अच्छे क्वालिटी के एंटी फ्रिज प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं। डेफिनेटली आपके जो पिम्पल्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी लाइक यू से 2-3 ईयर्स, आपके पिम्पल्स जो है डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ ही आपके जो स्पॉट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बट अगर आपकी उम्र जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और जिसकी वजह से स्पॉट्स जो हैं वो परमानेंट हो गए हैं, सो यू हैव टू यू नो काइंड ऑफ डू अदर थिंग्स, एंड उसके अंदर जो है वो आपको स्क्रब इस्तेमाल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्क्रब के साथ जो है, बट स्क्रब हैज़ टू बी छोटे दानों वाला स्क्रब हो, ताकि आपकी स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज ना पड़े।